आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोड़े, जिसके लिए हमको चाहिए ये मूंग की दाल। इसको हमने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और अब हम इसे पीस लेंगे। अब हमने इसको मिक्सी के जार में डाल लिया और उसमें ये सब चीज़ें लगेंगी, धनिया, सौंफ, मिर्ची, नमक, हरी मिर्ची और अदरक। चलिए अब इसे पीसते हैं। देखिए ये दाल हमने पीस ली है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। ये थोड़ी खड़ी खड़ी होती है तो ये मंगोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, सौंफ, हरी मिर्ची, अदरक जो कि मैंने किस लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्ची, ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप और डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक, अगर आप कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। मैं यहाँ 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। फिर सबको अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, अपने मंगोड़ों में आप और स्वाद के लिए जिसको पसंद हो तो हींग जरूर डाल दीजिएगा। और इसको अच्छे से घुमा लीजिए। ये बिना प्याज के हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो बिना प्याज के हैं। तो ये अब बनके तैयार है, अब हम इसको बनाएंगे। ऐसे कर करके आप कढ़ाई में डाल दीजिए 1-1 चम्मच। हाथ से तोड़ना चाहो तो हाथ से तोड़ लीजिए, लेकिन हम चम्मच से तोड़ रहे हैं। इसको हमें इसे स्लो आंच पे सेकना है, जिससे कि ये अच्छे कुरकुरे सेकते हैं। अगर तेज पे सेकेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए ये बनके तैयार हैं। देखिए ये मंगोड़े बनके तैयार हैं, अच्छे कुरकुरे हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।